लैला, इस रूप में तुम किसी ऊंचे हिंदू घराने की बहू लगती हूं ना? जानते हो, मैंने कई बार तुम्हें इसी रूप में देखा है। कई बार चाहे तुम्हें यूं ही दुल्हन की तरह सजाकर अपने घर ले जाओ। गणेश जी साहब, मुझे घर जाओ, जल्दी कर जाओ। तुम्हारा भाई बेचारे जख्मियों का लौटा है। द्वारका, हाँ द्वारका, जल्दी कर जाओ साहिब। बोलिए क्या हो गया आपको? हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? ओ मां, घायल किया है लड़का? लड़का कौन था? वो कौन था जिसने तुझे घायल किया? लड़का उसका नाम खबरदार, जो आइंदा किसी ने मालिक के बारे में कोई हल्की बात की तो नौकरान जहाज घाट पे लग गया तो माल उठा लेना। मैं किसी काम से मालिक की हवेली जा रहा हूं। थोड़ी जो हमने है डाली, ज्योतिष अपना जाए ना खाली। पाली पाली हमने दूर की कौड़ी पाली। बताइए महाराज, हमारे कुटुंब का भविष्य क्या है? तुम्हारा कुटुंब महाकुटुंब, मन में घुटम खामे लठम। जी, ये कौन सी भाषा है महाराज? ये भविष्य भाषा है, आगे चलकर सारे देश की भाषा बनेगी। अरे वाह भविष्यानंद, हमने भाषा का नहीं अपने भविष्य का पूछा था। कहाँ लेके बैठ गए पुरुम पुरुम। बताइए महाराज, हमारा भाग्य क्या है? भाग्य है महाविकट, कहूँ और घोर संकट, कहो तो कर दूँ प्रकट। बताओ भी झटपट, अब की झंझट तो बजाऊंगा सरपट। तो बेनटखट, अगर की खटपट तो लगाऊंगा चटाचट। इसकी बातों पर न जाइए महाराज, आगे बताइए। सुनो, तुम्हारे पति की हत्या हुई, मिथ्या रही, गुत्था बनी। वो बुद्धि सुलझाइए ना महाराज। बताइए ना महाराज, क्या हुआ था? तुम्हारे पति का नाम था द्वारका, माल पीता था वो पहली धार का, उतारा नाले नींबू का ना अचार का, फिर बैर कैसे ना बढ़े बेकार का। ठीक कहा महाराज, वो बैर ही मेरे देवर जी को खा गया। अद्भुत से तुम्हारे देवर जी, गुद गुद के लड़े वो पी कर जी, खुद खुद के चले फिर खंजर जी, खुद खुद के गिरे फिर देवर जी। हाय राम, क्या बीती होगी उन पर? आप तो सब कुछ जानते हैं महाराज, धन्य है आप। हम धन न धनाधन, आये सन्न सनातन, पूछे जन न जनाजन। कित गए ओरे चंदन, कित गए ओरे नंदन, कित गए ओरे चंदन, कित गए ओरे नंदन, कित गए ओरे चंदन, कित गए ओरे नंदन, कित गए ओरे नंदन। बजरंगी जी आए हैं, कहते हैं कोई जरूरी काम है। अभी आई महाराज। बजरंगी, नागपुर की नारंगी, कलकत्ते की चौरंगी, ये कहाँ कहाँ बजरंगी? हमसे क्यों पूछते हो महाराज, पूछो अपनी ज्योतिष विद्या से। देखो कौड़िया, तू तंग न कर पंडित जी को। बजरंगी बनारस से आया था महाराज, इनके घायल पिता को साथ लेकर। वही कम वक्त इन चरणों में छाले पड़ गए, हम उसकी हजामत जी अर्थात हम उस महापुरुष का सत्कार करेंगे, उसके चरण धो धो कर पिएंगे। भैया तुम इन्हें समझाते क्यों नहीं? तुम्हारे तो बहुत सुनते हैं, इस तरह कोठे पर पड़े रहना उन्हें शोभा नहीं।